डूबो तेरा दर्द जाने को, तेरा दर्द न जाने को, देखे पंजे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। झूम के गाओगे ना आपको गाने लगे लगे ताने बजाओ यार, अभी तक तो बाहर नहीं समझ गए तुम मेरे को। अरे ईमानदारी से बताओ, जब ये सुनने आए थे तो मालूम था कि ऐसा प्रोग्राम होगा? आपने सोचा कोई आएंगे और गाएंगे, दूसरे बाबा की तरह आशीर्वाद देंगे? और अपने पास आशीर्वाद है ही नहीं, क्योंकि जितना परमात्मा का प्यारा मैं, परमात्मा के उतने ही प्यारे। अगर मैं परमात्मा का पुत्र हूं तो तुम शैतान की औलाद हो। ये वो क्रिश्चियन बोलते हैं कि परमात्मा का एक ही पुत्र है ईसा मसीह, तो हमको किराया बढ़ाया क्या? अच्छा वो एक जगह तो मुझे आया, एक छोटे गांव में सारी जगह वनवासी भी इतने बेवकूफ नहीं है। अगर ये सारे इतने वनवासी बेवकूफ है तो मेरे क्रिश्चियन बन गए होते, तो एक बार एक गांव में क्रिश्चियन महोदय गए, बहुत बेवकूफ बनाते हैं आपको तो पता नहीं, वो ऐसा बेवकूफ बनाते हैं एक मूर्ति धर ले गए, लकड़ी की मूर्ति ऊपर से बिल्कुल पत्थर जैसी कर पुराते। तो गांव में जाकर बोला अपने अपने भगवान को ले आओ, तो बोले क्या होगा? बोले चेक कर लो, जिसका भगवान डूब जाए वो हल्का, और जिसका भगवान तेरे जाएगा अपने भक्तों को भी तार देगा। गांव वालों ठीक है, जितने बड़े बाल्टी भगोने में वो गांव वाले अपने मंदिर की मूर्ति उठा कर लाए और डाली, तो मूर्ति फिर उन्होंने अपने झोले से मूर्ति निकाली, पत्थर जैसी दिख रही थी, उसको डाला, लकड़ी की थी वो, ऊपर ऊपर और वो पादरी लोगों से बोलने लगा कि यार तुम्हारे खुद ही भगवान डूब गए, तुम्हें क्या तारे गिरे? गांव वालों ने की हाँ, तो पता पड़ा पूरा गांव तुम्हारे भगवान को डूब गया, हमको डूबा देंगे। तो उन्होंने क्या हुआ? बोले वो पादरी जी आया, तो उन्होंने कहा जिसका भगवान डूब गया वो डूब गया। तो उन्होंने कहा ठीक है पादरी कब आगे? बोले कल आएगा। तो जैसे ही पादरी आएगा उसने कहा तुम कौन? बोले हम तो जनजाति वाले हैं, हम आए मिलने के लिए और वो तुम्हारे भगवान डूब गए। तो इनने की कौन सी परीक्षा की थी? बोले जल परीक्षा। तो बोले जल का हमारे तो अग्नि परीक्षा होती है। बोले लिया अपने भगवान और आग जलाई और दोनों भगवान डाल दिए, तो बाद में क्रिश्चियन ढूंढ रहे हैं। एक गांव में गए, बोले ये कौन है? बोले ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र हैं। तो हमारे पास गया इनको, मानो मैं इनकी मान लेते, कोई बहुत बड़ी बात है क्या भाई? परमात्मा का पुत्र ठीक है। तो उन्होंने की ईसा मसीह कौन है? बोले परमात्मा का पुत्र। बोले तुम भी ईसा ही बन जाओ, इनकी हमको जरूरत ही नहीं। बोले तुमको परमात्मा का पुत्र नहीं चाहिए, इनकी हमारे पास खुद परमात्मा है, कृष्ण जी परमात्मा है। तो इनकी तुम्हारा पुत्र आखिर कृष्ण जी का बेटा ही तो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। तो जब कई बार लोग बोलते हैं ईसा मसीह, तो मैं इनके कृष्ण जी के पुत्र के जन्मदिन की बधाई, गलत है क्या? पर तुमको टाइम मिल रहा है क्या? क्रिकेट खेलते कि नहीं खेलते हो? खेल रहे हैं। खेलता हूँ, वही तो छक्का मारा था। हम भी बेवकूफ नहीं, हम भी किसी जमाने में क्रिकेट खेलते थे, एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसको आज तक ब्रायन लारा भी नहीं तोड़ पाया। गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद क्रिकेट छोड़ दिया मैंने। बताऊँ क्यों? हमारे यहाँ स्कूल था और स्कूल में स्कूल के पास मैदान था, तो हम क्रिकेट खेलते थे। तो वो जब भी मैं क्रिकेट खेलता था मेरी मम्मी बहुत मारती थी। बताऊं क्यों? उनके कपड़े का धोना, धोने का बैच। तो भैया उस दिन डॉक्टर साहब गेंद खरीद के लाए, चौधरी जी भी आए होंगे, ये गेंद खरीद के लाए और
जैसे इधर बैठे उसने गेंद घुमाई फेंकी और अपन ने हनुमान जी का नाम लेकर जो धोना घुमाया और किस्मत से लग गई गेंद में तो वो स्कूल में चली गई और जब तक गेंद तब तक घूम के अपन रन बना रहे थे 176 रन बनाए थे एक बार के ऊपर। और उसके बाद संन्यास ले लिया। चला सचिन क्या उसका बाप भी नहीं तोड़ सके अपना रिकॉर्ड। पर क्यों नहीं मुझे एक बार बताओ, चाइना दुनिया को दबा रहा है, पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर घर में चाइना घुसा हुआ, चाइना की कोई क्रिकेट टीम है क्या? नहीं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? नहीं। जापान सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे, जापान की कोई क्रिकेट टीम है? नहीं। फ्रांस की कोई क्रिकेट टीम है? नहीं। केवल वो देश क्रिकेट खेलते हैं आज भी जो अपने आप को अंग्रेजों का गुलाम समझते हैं। कोई समझदार देश क्रिकेट नहीं खेलता, केवल वही देश जो आज भी अपना अमेरिका ने क्रिकेट, हाँ अपना तो कबड्डी है। और सुन लो रे, मैं तो कई बार बोलता हूँ, बोले कि कौन सा खेल कौन सा, मैंने की कबड्डी हिंदू खेल है, बोले क्रिकेट मैंने की क्रिश्चियन, तो बोले खेल को भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बने गए, मैंने कहा सही है, तो बोले क्यों, तो जिसे क्रिश्चियन कभी मरता है वापस पैदा होता है क्या, कब्र में पड़ता है टिल डे ऑफ जजमेंट, कहीं का मियां मर जाए तो कब्र में पड़ता है कयामत तक, अपने पड़े रहते हैं क्या, अपने तो इधर पड़ा नहीं पड़ गया दूसरे लोग बोलते और धर्म में और तुम्हारे धर्म में क्या, मैंने हमारे वेटिंग और आर एसी नहीं होता है, डायरेक्ट कन्फर्म होता है टिकट देता है। अपने यहाँ तो भगवान भी ऐसे निकलते, राम जी बनके निकल गए, कृष्ण बनके फिर पैदा हो गए, कृष्ण गए चाणक्य बनकर पैदा हो गए, चाणक्य गए शिवाजी बनकर पैदा हो गए, शिवाजी गए कहीं विवेकानंद बनकर पैदा हो गए, और विवेकानंद भी चले गए तो इन हजारों कार्यकर्ताओं की तरह। मैं तो एक बात कहूंगा, राम क्या है कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास। मेरे भाइयों, वो कहीं वनवासी आपकी राह देख रहे हैं, अगर राम केवट के पास नहीं पहुंचे होते तो रावण तो पहुंच ही जाता, शबरी के पास राम पहुंच गए, आज की शबरी के पास राम पहुंच रहे, आज की शबरी के पास रावण पहुंच गए, विदेशों से आने वाले हैं। हमने अपने भाइयों को तो गले लगाया, मैं तो एक बात कह रहा था, फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, और देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां, माया का है काम ध्यान राम को हटाती, माया का है ध्यान काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा प्रसन्न प्रसन्न दिखाती है, दोष इनको दीजिए ना, दोष इनको दीजिए ना, खुद का दिल टटोलिए और एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दें।